मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम होटल स्टाइल भिंडी बनाने जा रहे हैं। इसने ये भिंडी ली है 150 ग्राम, ये टमाटर लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च ली इसको भी चॉप कर लिया है, ये एक प्याज है इसको भी हमने चॉप कर लिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून दही है, 1 टीस्पून जीरा है और कुछ मसाले हैं, मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं और उसमें हम ऑयल डालते हैं, लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे हम। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी डाल के इसको फ्राई करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इसको 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे, पैन को वापस रखेंगे और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे। भिंडी में हींग डालना जरूरी है क्योंकि भिंडी एक गरिष्ठ है, ये पचने में भारी होती है और गरिष्ठ खाद्य पदार्थ में शामिल है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे चॉप किया हुआ। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन भून चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और ये कुछ मसाले हैं इसे डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा दही डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना और मसालों को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं। अब फ्राई की हुई भिंडी डालेंगे। इसको बराबर से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए भिंडी हमारी पक चुकी है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी सी भिंडी तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।